जहां एक ओर अयोध्या इन दिनों राम मंदिर को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब योगी सरकार गायों और गौवंशों को लेकर गंभीर हो गई है। यह यूं कहें, अब अयोध्या की गायों के दिन फिरने वाले हैं। अयोध्या में गायों को ठंड से बचाने के लिए शानदार इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ की बैसिंग स्थित गौशाला में गाय को ठंड से बचाने के लिए काउ कोट के इंतजाम किए जा रहे हैं। ये व्यवस्था 2-3 चरणों में लागू होगी, क्योंकि यहाँ पर गायों की संख्या 1200 है, इसलिए पहले यहाँ पर 100 बछड़ों के लिए कोट तैयार किए जा रहे हैं। बछड़ों के लिए 3 लेयर वाला कोट बनाया जा रहा है, पहले मुलायम कपड़ा, इसके बाद फोम, फिर जूट लगाकर इसे बनाया गया। पहले कपड़ा इसलिए कि ये बच्चों को गड़े नहीं, फिर फोम इस वजह से कि गीली जगह बैठने पर ये आसानी से सोख ले, और जूट सर्दी में गर्मा हट देगा। इसका सैंपल तैयार हो गया है, नवंबर खत्म होते ही यहाँ पर डिलीवरी हो जाएगी। इसकी कीमत 250 रुपए और 300 के बीच में आएगी। नर और मादा पशुओं के लिए भी अलग अलग डिजाइन होगी। नर पशुओं के लिए कोट केवल जूट का होगा, क्योंकि इन्हें पहनने में दिक्कत होती है। मादा के लिए 2 लेयर का कोट बनेगा। इसे डॉगी स्टाइल में बांधने की व्यवस्था होगी, ताकि सभी गायें और उनके बच्चे ये कोट पहनकर शीतलहरी से बच सके।